पूरे देश में कोरोना का कहर बराबर बढ़ता दिख रहा है और इसी तरह राजस्थान में भी बराबर ऐसा दिखने में आ रहा है कि कोरोना एक ऐसा वायरस है जिससे बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। यानी हम यूं कहें, बचाव के जो साधनों में साधन एक मास्क भी एक बहुत बड़ा साधन है। बीकानेर में आपको हम एक ऐसे जगह ले चलते हैं जहां पर एक डॉक्टर जो कि खुद मास्क बनाने का काम कर रही है और उनके साथ उनकी टीम है जो बराबर मास्क बनाने के काम में जुटी है। देख सकते हैं कि किस तरह से ये हैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता जो सामने मास्क बना रही हैं। उसके अलावा ये उनकी स्टाफ हैं और ये इनके लोग हैं, मिलने वाले मित्र परिवार के जो लोग हैं, और ये भी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी परिवार के लोग बराबर बना रहे हैं और कुल मिला के कुछ ना कुछ ऐसा काम करते नजर आ रहे हैं जिसके चलते बचाव जो है वो बड़ी बात है। ये देखिए कितने, देखिए यहाँ मास्क बने हुए हैं, ये देख सकते हैं आप, ये प्रीति कितने मास्क बना चुके हैं अब तक? अब तक हम 3000 मास्क बना चुके हैं। परसों से हमने शुरू किया था बनाना, तो अब तक मैं, मेरा परिवार, मेरी कुछ सहेलियां हैं जिन्होंने, हम पूरी गिनती आज 3000 से ऊपर हो चुकी है। क्या कारण माने आपका ये सब कुछ करने का? चूंकि आप खुद मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद वो काम भी बहुत ज्यादा जरूरी है, काउंसलिंग करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन ये सब कुछ काम करने बैठी है, इसके पीछे क्या कारण? मेरा तो ये मानना है प्रशासन, सरकार सब युद्ध स्तर पर लगी है इस प्राणघाती बीमारी से बचने के लिए और बचाने के लिए। अगर मैं किसी एक को बचा रही हूँ तो उसका मतलब है मैं खुद को बचा रही हूँ, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि ड्रॉपलेट से फैलता है। तो मास्क कितना, अब कुछ लोग ऐसे हैं कि खरीद नहीं पा रहे हैं, अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो चिकित्सा के साथ साथ मेरा एक ये कर्तव्य है कि मैं, मुझे अगर थोड़ी बहुत सिलाई आती है। लॉकडाउन के अंदर भी आप एक तरह से अगर पेशेंट को काउंसिल नहीं कर पा रही है तो आप पेशेंटों, आप लोगों के बीच इस तरह से जाना चाह रही हैं, क्यों? ये भी माने लॉकडाउन का सदुपयोग कर रही है, सदुपयोग कर रहे हैं, और उनको एक अवेयरनेस भी है कि मास्क की इम्पोर्टेंस को वो लोग जाने। तो ये हमारा चिकित्सक का कर्तव्य है कि उनको बीमारी का जो कितने दिन तक बनाएगी और कितना बना लेंगे आप? हमने 10,000 मास्क का सोचा है और उसके अलावा और भी बहुत। फिर बनाने के बाद कहाँ गवर्नमेंट को देंगे? ये हम प्रशासन को 10,000 मास्क देने का हमने सोचा है, हमारी संस्था श्री दिव्यायु हेल्थ ट्रस्ट परिवार की ओर से, और इसके अलावा हमारे पास और भी लोग आ रहे हैं मांगने के लिए, तो हम पे जो बन पाएगा सबको दे रही है, उनको भी दे। कुल मिला के देखिए अब मरु नगरी बीकानेर में ऐसी खूब चीजें देखने में आ रही है जहां पर लोग इस तरह से उमड़ चुके हैं और पब्लिकली एक तरह से हेल्प करने की कोशिश है आम जनता की। मदन जी सामाजिक कार्यकर्ता है, मदन जी आप क्या कहेंगे, क्या कर रहे हैं आप? मैं बीकानेर की जनता को बचाने का काम कर रहा हूं और ये मास्क बनाकर जनता के बीच में वितरण करवाने का काम करूंगा। देखिए यहां पर और भी हैं, इनसे जानना चाहेंगे आप क्या? मैं तो एक्चुअल में मशीन चलानी नहीं आती, फिर भी मैंने अपनी तरफ से मदद कर रही हूँ कि मैं ये डोरियां बना के, क्योंकि बाजार में इलास्टिक मिल नहीं रहा, तो ये मैं डोरियां बना के अपना काम कर रही हूँ प्रीति जी की और प्रशासन की। देखिए कोई डोरियां बना के काम कर रहा है, कोई काउंटिंग करके काम कर रहा है, यानी यहाँ पर बराबर ऐसा देखने में आ रहा है लोग बहुत दिलचस्पी के साथ जुड़ के आम जनता के सहयोग में लग रहे हैं, और बीकानेर के इस प्रयास को बहुत अच्छा प्रयास माना जा सकता है और आम जनता के लिहाज से कोरोना वायरस से बचाव बहुत बड़ा उपाय है, जैसा कि यहां पर डॉक्टर प्रीति ने कहा। के सिंह, सहारा समय, बीकानेर।